तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बड़े आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। अगर इसमें जल्दीबाजी की है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज सोच के पढ़ेंगे, सारी जितने आपके दिमाग, ये पैसा वसूल चैप्टर बोलते हैं इसको, ये ऐसा चैप्टर जो पैसा वसूल है, इसमें मतलब आपको एक एक चीज पे सोचने पे मजबूर होना है कि भाई अगर ये है तो क्या क्या इसमें और संभावनाएं बन सकती है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या हम बाइनोमियल पढ़ चुके हैं? बाइनोमियल में एनसीआर और एनपीआर के बारे में जानकारी है, सवाल मतलब उसका मैक्सिमम चीजें आती हैं, रिवाइज करवा देंगे, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा परम्यूटेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर डेली लाइफ यानी आपका अगर फिजिकल प्रॉब्लम होती है, लाइफ मतलब डेली लाइफ डेली यूज वाली प्रॉब्लम दिखती है, ठीक है, तो उसमें आपको जितनी संभावना, जैसे मान लो ट्रेन जा रही है स्टेशन पे रुकना है, तो स्टेशन पे रुकना है तो आप स्टेशन को चेंज नहीं कर सकते, स्टेशन तो अपने जगह पे हमेशा खड़ा रहेगा। क्या बदल सकती है? ट्रेन का रुकने के स्थान बदल सकता है, लेकिन अगर वहीं पे लड़के लोग हैं या कोई गेंद है, बॉल है, उनको अगर जगह से हटाना है या उनको अरेंज करना है, तो उस केस में आप बॉल को या लड़के को एक दूसरे से विस्थापित यानी हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि दो लाइन है, आपको ये बोलेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कितनी लाइन? मिनिमम दो लाइन। दो लाइन एक जगह मिल गई मतलब इंटर, अच्छा वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, सब लाइंस कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, अरे बात समझ में, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देंगे। जैसे और पॉइंट अगर मान लो कभी सर्कल, दो सर्कल दे दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पूछा, तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि दो सर्कल मिलके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देते हैं। दो सर्कल मिलकर कितने देते हैं? दो। ऐसे एक सर्कल और एक लाइन कितने देंगे? दो। एक सर्कल और एक लाइन में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे? दो। एक पैरेललोग्राम बनने के लिए दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए, सिर्फ कितने पेयर ऑफ पैरेलल चाहिए? दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए, एक ऐसे वाली और एक ऐसे वाली। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें जितनी संभावनाएं हो सकती है वो सब कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर आपके सामने, जब भी आप टेलीफोन नंबर देखे होंगे तो टेलीफोन नंबर में रिपीटेशन अलाउड, मतलब जैसे एक नंबर कई बार आ सकती है, तो सवाल उसमें ये नहीं बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। अगर उसने नहीं बोला स्पेशली रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर उसने नहीं बोला इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है, अरे बस इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है, अगर उसने बोल दिया स्पेशली कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब आप जो है कि उसको ऐसे यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है उसको फिजिकली इमेजिन करके ही सोचना है, तभी सवाल को बनाना है। अब इसमें दो वर्ड है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, आपको हम उसमें भी बताए थे, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्शन। क्या होता है? सेलेक्शन। और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अच्छा बताओ, ये अरेंजमेंट, जब आपको अरेंजमेंट करना होगा तो आप डायरेक्ट अरेंजमेंट कर देंगे या पहले सेलेक्ट करेंगे? पहले, हमेशा अरेंजमेंट को पहले सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये जो है अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन टू प्रोसेस है, एक सेलेक्शन है तब अरेंजमेंट है। मतलब अरेंजमेंट का मतलब ऑर्डर यहां पे इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? सेलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि भाई किसी भी ऑर्डर में ले लो, लेकिन अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले के बाद दूसरा आया है कि पहले के बाद तीसरा आया है। दोनों अलग अलग हो जाएंगे परम्यूटेशन, कि पहले के बाद दूसरा और पहले के बाद तीसरा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी ये टू वे प्रोसेस। प्रोसेस ठीक है, एक क्या है प्रोसेस के लिए, डबल सी होती है कि एक सी होती है? डबल सी होती है, एक ही सी होती है। टू वे प्रोसेस, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट सेलेक्शन, सेकेंड अरेंजमेंट। पहले चीजों को सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंजमेंट करेंगे। आ रही बात समझ में? तो पहली बात रही। दूसरी बात, इफ देयर इज फिजिकल प्रॉब्लम, इफ देयर इज फिजिकल प्रॉब्लम या डेली लाइफ प्रॉब्लम, और आईआईटी में भाई यही पूछता है,
डेली लाइफ प्रॉब्लम ही ज्यादा पूछता है। डेली लाइफ प्रॉब्लम बहुत वो ट्रेडिशनल यानी ऑर्थोडॉक्स प्रॉब्लम बहुत कम पूछता है, जो पुराने पैटर्न पे आती रही होती है कम पूछता है, ज्यादातर इसमें डेली लाइफ प्रॉब्लम ही पूछता है। तो इफ डेली लाइफ प्रॉब्लम थिंक ऑल पॉसिबल, थिंक के ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया हूं मैं, थिंक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। तीसरी बात है, देखो परमिटेशन कॉम्बिनेशन में हम एक बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पे एनपीआर और एनसीआर का बहुत कम यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? मतलब अगर देखो कोई ये कहता है कि सर हमारे यहां तो एनपीआर भी यूज होता है अलग से और एनसीआर भी यूज होता है अलग से, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सिर्फ सिलेक्शन करें और उसको अरेंज कर दें। देखो एनपीआर होता क्या है एक्चुअल में, हाँ एनसीआर पहले एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करेंगे और उसको अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल। जैसे तीन लोग हैं, जैसे तीन आइटम है, जैसे मान लो ए बी सी, ठीक है, तो इनमें से आपको इनको अरेंज करना है, तो इनको कैसे कैसे मैं लगा सकता हूं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। देखो ऑर्डर, मैंने क्या कहा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट के लिए, क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट अगर हमें करना है तो क्या क्या हो सकता है अरेंजमेंट, एक हो सकता है कि ए बी सी चलेगा, फिर ए सी बी चलेगा, फिर सी ए बी चलेगा, फिर सी बी ए चलेगा, फिर बी सी ए चलेगा, बी ए सी चलेगा। अरे बोलो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, फिर अगले बार ये इसकी पोजीशन बदल गई, देखो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए, छे, कितने छे। अरे बात समझ में? इसी चीज को अभी भरने का तरीका कुछ ऐसे बताया जाता है कि भाई आपका यहाँ पे तीन चीजें हैं, तो इसको भरने का, ये वाला डब्बा में हमें कोई चीज भरना है तो इसके पास एक खाली डब्बा है, तो इस डब्बे में कोई मान लो तीन आइटम है, तीनों आइटम जाना है, तो पहले यहाँ पे ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, तो इसको जाने का कितने टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, तीन। अब एक यहां जा चुका तो कितना बच गया, दो, तो इसमें दो जा सकता है, मतलब या तो बी सी हो गया, मान लो ए चला गया तो बी सी हो सकता है, तो सी बी हो सकता है, यानी बी जा सकता है, सी जा सकता है, तो इस डब्बे को भरने का तरीका दो, और तो बचा क्या, एक, एक बचा, तो इसको भरने का तरीका एक, मतलब वही थ्री इंटू टू इंटू वन, इसी को फैक्टोरियल थ्री लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट, किस चीज के लिए, अरेंजमेंट के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब सीखा हमने, कि कॉम्बिनेशन मतलब सिंपल सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ या कलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ सम कुछ आइटम्स, कुछ नव चीजें होंगी उनको सेलेक्ट कर लेना है। परमिटेशन में सेलेक्ट भी करना है उन आइटम्स को, और फिर उनके ऑर्डर के हिसाब से अरेंज भी करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी मान लो अपने पास होते पांच नंबर होते कि ए बी सी डी, तो इनमें से मान लो कोई कहता है कि दो सेलेक्ट करो कोई भी, तो कोई भी कहता है चार सेलेक्ट करो, तो हम सेलेक्ट करते कोई भी चार सेलेक्ट कर लेते, तीन सेलेक्ट कर लेते कोई भी, तीन सेलेक्ट करने के लिए कोई बोलता तो तीन सेलेक्ट कर लेते, या तो ये कर लेते, या फिर हम बी सी डी ये सेलेक्ट कर लेते, या फिर ए सी डी ये सेलेक्ट कर लेते, या ए बी डी ये सेलेक्ट कर लेते, चार चीजें सेलेक्ट हो गए, और फिर इनको कहता कि आप ऑर्डर अरेंज करो, तो इसको अरेंज करने का तरीका तीन फैक्टोरियल। आई बात समझ में कि नहीं? इसको भी अरेंज करने का तरीका, तो चार में से पहले, तब ये आपसे ये कहता है कि कोई कि चार में से तीन चीजें सेलेक्ट करो फिर उनको अरेंज करो, सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए कहता तो कितने तरीके हो जाते हैं, चार, और इनको अरेंज भी करना पड़ता तो चार में तीन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ये कौन से थ्योरम स्टार्ट होने वाली है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, हाँ वही फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। यहां पे काउंटिंग की दो थ्योरम होती है, एक मल्टीप्लीकेशन होता है, एक एडिशन होता है। ठीक है, एक क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, एक एडिशन होता है। अब जरा देखो, दोनों एक ही होता है, बस देखने का तरीका अलग अलग है। देखो मल्टीप्लीकेशन, अगर हम कहें कि मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो मल्टीप्लीकेशन की ही बात कर लेते हैं। जैसे देखो कैसे, मान लो कि आपको दिल्ली से, मान लो कि यहां पे दिल्ली है, यहां पे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, और यहां पे कोटा कोई जगह है,
और उसी रास्ते से जाते जाते आप पहुंच गए क्या मुंबई, और ये दिल्ली से कोटा, कोटा से मुंबई, ये जाना है आपको। अब मान लो कि दिल्ली से कोटा जाने के मैंने कहा कि दो रास्ते हैं और कोटा से मुंबई जाने के सिर्फ एक रास्ता है, ठीक है। आपसे कोई कहे कि दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपके पास कितनी च्वाइस है, दो च्वाइस है। क्या है कि एक यहां से ये ले सकते हो, फिर यहां से ये ले सकते हो, या फिर यहां से ये ले सकते हो, लेकिन यहां से तो एक ही च्वाइस है। अगर मान लो कि यहां पे मैंने एक और रास्ता बढ़ा दिया कि एक और रास्ता मिल गया आपको सपोज, और यहां पे आपको रास्ता दो और या चार मिल गए यहां से यहां जाने के, तो अब क्या हो सकता है कि यहां से आपके तीन रास्ते हैं, तो आप क्या 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 रास्ते अपना सकते हो कि दिल्ली से कोटा आपका, अगर मैं कहूं कि ये P1 पाथ है, ये P2 पाथ है, ये P3 पाथ है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है, ये P7 है, तो एक आदमी क्या कर सकता है, पहले यहां खड़ा होके सोचेगा कि किस रास्ते से जाए। मान लो कि उसका मन किया तो P1 से निकला, एक रास्ता मिला, फिर P1 के बाद से यहां से उसके पास कितने रास्ते दिख रहे हैं, चार। तो ऐसे हम कहेंगे कि कितने चॉइस है उसके पास, तो चार है। कितने चॉइस है उसके पास, चार है। या हम ये सिर्फ P1 के लिए चार है अभी, मतलब ऐसे फिर P2, तो यहां से गया तो P1 से रास्ता लिया, फिर ऐसे या तो P5 P6 P7 आ रही बात समझ में। तो यहां से जो इसको जाने के टोटल रास्ते कितने, तीन, यहां से जाने के रास्ते कितने, चार। तो टोटल कितने तरीके से जा सकता है, देखो कितने तरीके से जा सकता है, एक ये यहां से चार रास्ता, और फिर एक ये यहां से चार रास्ता, एक ये यहां से चार रास्ता, जो हमने इस तरह से काउंट किया इसको बोलते हैं एडिशन, मतलब चार प्लस चार प्लस चार। लेकिन अगर हम कहें कि यहां से बैठा हुआ आदमी देखे कि भाई हमें यहां से आगे जाने के कितने रास्ते, तीन, और वहां पहुंचने के रास्ते कितना, चार, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रास्ता इज इक्वल टू 12 हो गया। ये तो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, काउंटिंग की मल्टीप्लीकेशन का हो गया। अगर यही पे एडिशन की बात की जाए तो हम कहेंगे भाई कि P1 के लिए चार रास्ता और P2 के लिए भी चार रास्ता, और ऐसे ही P3 के लिए भी चार रास्ता, तीनों के लिए चार चार रास्ता है अपने पास, चार चार जगह है। तो क्या टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल पाथ हो जाएगा 4 + 4 + 4 = 12। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन से, और ये है आपका मल्टीप्लिकेशन से। अरे बात समझ में, मतलब कुल मिला के ऐसे मैं कहो कि दो काम है अपने पास। मान लो कि कोई एक काम, एक वर्क, यानी मैं इसको थोड़ा लिखना चाहता हूं कि देयर इज यम वे टू डू अ वर्क ए एंड एन वे टू डू वर्क बी। एक बी वर्क को करने का एक तरीका है, एम तरीका है, और एन तरीका है बी वर्क को करने का। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वे टू डू ए एंड बी वर्क इज m into n। बोले बात समझ में आया, अरे आया बात समझ में कि नहीं, कि m एक को करने का m तरीका, दूसरे को n तरीका, दोनों को करने का तरीका m into n तरीका। बात पकड़ में आ रही है। अब ये तो आपका भी बिल्कुल बेसिक सी बातें हो गई, हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि इसमें कुछ जो भी है इसमें कितने टाइप के सवाल आएंगे, वो हर टाइप के सवाल आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अगले टाइप पे चलते हैं। तो टाइप 1, पहला टाइप का मैं करा रहा हूं कि किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, ये समझने के लिए है, आपको समझ बढ़ाने के लिए है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक पाथ यानी ट्रेवलिंग प्रॉब्लम। पाथ ट्रेवलिंग प्रॉब्लम, सही बात है। तो पाथ ट्रेवलिंग प्रॉब्लम पहला, तो क्या हमने बताया, अभी जस्ट बताया जी कि मान लो कि आपके पास यहां कहीं आपका कोई है, मान लो कि यहां कोई है दिल्ली, यहां कहीं है आपका लखनऊ, और यहां कहीं है कोलकाता,
किसमें बोलता है हेरा फेरी में, कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता यहां से मान लो कि ये यहां से जाने के अपने पास टोटल, अगर मान लो कि एम वे है और यहां से जाने का तरीका कुल आपका सपोज एन वे है, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ पाथ इज इक्वल टू एम इंटू एन, ये हो गया। अब जरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं कि कोई भी लिख लेते हैं, राम वांट्स टू मूव दिल्ली टू मुंबई वाया अहमदाबाद। वाया मतलब उसके थ्रू, मतलब दिल्ली से और मुंबई जाते वक्त बीच में वो अहमदाबाद जाएगा, ठीक है। देयर इज सिक्स रूट फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद की स्पेलिंग गलत लिख दिया, अहमदाबाद एंड फाइव रोड बिटवीन अहमदाबाद टू मुंबई, देन पहला सवाल इसका, हाउ मेनी वे ही कैन मूव दिल्ली टू मुंबई, दूसरा हाउ मेनी वे ही कैन गो एंड रिटर्न, जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है दिल्ली टू मुंबई एंड मुंबई टू दिल्ली, वहां से गया भी और वापस भी आया, तीसरा इन हाउ मेनी वे ही कैन रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, रिटर्न मतलब ही कैन मूव, पूरा लिख लेते हैं, ही कैन मूव दिल्ली टू मुंबई एंड मुंबई टू मुंबई टू दिल्ली, बट रिटर्न विथ नॉट सेम पाथ, मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस नहीं आया। आ रही बात समझ में? तो कितने तरीके से वो जा सकता है, कितने तरीके से आ सकता है, जरा सा आप बनाओ, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, पहले एक एक पे डिस्कस करते हैं, एक एक काम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको अपना दिमाग लगा लो, देखो क्या आ रहा है। तो हम लोग टाइप सेकेंड की प्रॉब्लम पे बात करेंगे, टाइप फर्स्ट हो चुका है, फास्ट ट्रेवलिंग प्रॉब्लम हो चुका है ना, तो टाइप सेकेंड प्रॉब्लम अपने पास है। कि मान लो कि थिएटर प्रॉब्लम या मूवी प्रॉब्लम या थिएटर प्रॉब्लम, जैसे कि किसी थिएटर में आप मूवी देखने जाओगे तो किस तरह से आप चीजें कर सकते हो, कितने तरीके से मूवी देख सकते हो, कितने तरीके से अंदर जा सकते हो, कितने तरीके से अंदर बैठ सकते हो, आ सकते हो। जैसे मान लो सपोज कि आपके पास ये अपने पास कोई एक थिएटर का ऐसे स्क्रीन है, जनरली ऐसे ही थिएटर बनाया जाता है, ऐसे ही आप देखोगे तो थिएटर जनरली ऐसे रहता है, इसमें आगे स्क्रीन पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये स्क्रीन है और मान लो कि यहाँ पे एक आपका डोर है, ये मैंने कहा डोर वन है, एक मैंने कहा कि यहाँ पे कोई डोर है एंट्री के लिए, होता है ना एंट्री एग्जिट के लिए, यहाँ पे भी कभी गए हो कि नहीं थिएटर में, तो ये एंट्री के लिए डोर 3 है, यहाँ पे ये आपका है, वो तो कहो सर वो तो पार्ट टाइम बिजनेस है वही हमारा,
D3 D4 और यहाँ पे हो जाएगा ये D5, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से कोई, अब मान लो सवाल ये पूछा जाएगा कि कोई कितने तरीके से आपका मूवी देख सकता है, कितने तरीके से टोटल नंबर आप है। पहला सवाल अगर मैं बोलूं, हाँ नहीं घुसेगा भी तो आएगा भी, हाँ मतलब जा सकता है और आ सकता है। तो जाएगा कितने तरीके से, यानी नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे नहीं, नहीं बस जाएगा उसका असर रह जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। नंबर ऑफ वे टू वॉच मूवी, यानी आपका उसको जाना भी है और वापस आना भी है। कितने तरीके से जाएगा और वापस आएगा, पांच तरीके से जा सकता है और पांच तरीके से आ सकता है। तो ये 5 × 5 = 25। मान लो दूसरा मैंने पूछा कि इफ D1 and D3 आर नॉट अलाउड फॉर एग्जिट, यानी जो है कि जैसे कुछ आप मूवी थिएटर में जाओगे देखे ना मूवी हॉल में, तो कुछ डोर जो है बाहर निकलने के लिए नहीं होते हैं, वो बंद किए रहते हैं। तो ये आपका डोर कौन सा, जाने कितने तरीके से हो जाएगा, अरे जाने का तो पांच तरीका हो गया और आने का तरीका कितना हो गया, तीन तरीका हो गया। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 15, यानी जाने का तो पांच हो गया क्योंकि जाने के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, और आने के लिए आपका तीन तरीका हो गया, निकलने के लिए तीन तरीका, मतलब आपका हो गया टोटल मिला के 15। अगर मान लो कि कोई मैंने पूछा कि नंबर ऑफ वे टू रिटर्न या एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर, मतलब जिस डोर से जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। तो मान लो कि हाँ, तो D1 से गया तो जाने के तो अभी भी उसके पास पांच तरीके हैं, हर एक किसी के रास्ते से जा सकता है, लेकिन आने के लिए मान लो D1 से गया है तो आने के लिए D1 का रास्ता बंद, तो D2 से लेकर D5 के बीच में चार में से किसी एक तरीके से आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 × 4, यानी 5 × 4 मतलब कुल कितना आंसर हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है कि मतलब वो देखेंगे कौन आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है जाने का और कितने ऑप्शंस अवेलेबल है आने का। अरे बात समझ में, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है थिएटर प्रॉब्लम ये है। अब आते हैं सेकंड टाइप के प्रॉब्लम पे, क्वाइन प्रॉब्लम, क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। टाइप थर्ड, अब देखो जरा, हम इसका नाम भले लिख रहे हैं कि टॉसिंग अ क्वाइन प्रॉब्लम, देखो ये आपका वो प्रॉब्लम है, ये वो टाइप है जिसमें यानी द आउटकम, टोटल आउटकम इज इक्वल टू टू, टोटल आउटकम आउटकम्स इज इक्वल टू टू, इसमें वो प्रॉब्लम आपको डिस्कस करेंगे जिसमें टोटल आउटकम कितने होंगे, टू। जैसे अगर हम अगर क्वाइन को टॉस करते हैं, ऊपर उड़ाते हैं, तो ऊपर से जो नीचे आएगा तो दो ही आउटकम होने के चांसेस है, या तो हेड या तो टेल। अगर मान लो कि एक क्वाइन है तो क्या क्या आने के चांसेस है, या तो एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा, तो टोटल आउटकम में कितना हो जाएगा यहाँ पे टू। अगर दो क्वाइन है तो क्या क्या आ सकता है इस केस में, हाँ हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल हो सकता है, मतलब कुल कितना तरीका, चार। इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर तीन कॉइन होगा तो कितना हो जाएगा, तीन कॉइन हो जाएगा तो 2 की पावर टोटल आउटकम हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, मतलब 8। ऐसे ही मान लो पांच कॉइन हुआ, हाँ बस मैं लिखता हूँ, 1 क्वाइन ये हो गया, 2 क्वाइन ये हो गया, 3 क्वाइन मान लो, 5 क्वाइन हो गया ये 8, 2 की पावर 5 = जो भी 32 आएगा वो, यानी जितने आपके, अच्छा मैंने क्या कहा कि इसमें वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिनके आउटकम टोटल क्या होते हैं, 2। अरे बात समझ में, जैसे मान लो कि एक और, ये तो क्वाइन के लिए हो गया, अगर मान लो कि डे के बारे में कहा जाए तो डे जो है ना कि दो ही आउटकम होता है, एक डे जो है या तो वो क्लियर हो सकता है या तो क्लाउडी हो सकता है, मतलब दिन या तो साफ हो सकता है या तो बादलों वाला हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है, अगर या तो दिन साफ होगा या तो बादल वाला होगा, यानी टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, यहां भी टोटल आउटकम इज इक्वल टू टू। जैसे मान लो कोई कहेगा कि एक सप्ताह कितने तरीके से वेरी हो सकता है, तो भगवान जी क्या करते होंगे, पहले सप्ताह देखते होंगे, फिर उसको परमिशन कमीशन से लगाते होंगे कि आज देखते हैं कितने तरीके से हम सप्ताह बदल सकते हैं, 2 की पावर 7 में से जितने कोई कॉम्बिनेशन है उसमें से किसी भी दिन भेज देते होंगे। अरे बात समझ में, कैसे लगाते होंगे तो क्या हो जाता होगा, यहाँ पे आपका 2 की पावर 7 फॉर अ वीक, एक वीक के लिए, एक वीक में इतना, महीने के लिए कितना हो जाएगा 2 की पावर 30 या 2 की पावर 31, जितने दिन का महीना हो। अच्छा एक जरा स्विच,
स्विच, स्विच क्या होता है, या तो वो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, यानी या तो वो जलाएगा बल्ब या तो बल्ब को बुझाएगा। अरे बात समझ में ना, तो बल्ब तो जला बुझाएगा या बंद करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, बुझाएगा या बंद करेगा, दो आउटकम हो गया, बुझाएगा और बंद करेगा, दो आउटकम है, बुझेगा या लाइट बंद होगी, दो हाथ की सर पे क्यों देख रहे हो कि बंद होगी या जलेगी, या तो बुझेगा या तो, बुझेगा या तो बंद होगा, हाथ के सारा गलत है, हाथ के सारा देखे तो एक ही है, एक ही आउटकम है ना, वर्ड्स में ठीक है, एक ही चीज है ठीक है। तो ये स्विच क्या हो गया, या तो इसके आउटकम टोटल आउटकम कितने हो गए, यहाँ भी टोटल आउटकम कम से कम टू टू। एक क्वेश्चन मान लो, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिसमें आंसर ट्रू और फॉल्स है ओनली, क्या है ट्रू और फॉल्स है, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम इज इक्वल टू टू। अच्छा ऐसे ही मान लो कि एक क्वेश्चन है जिसमें से कि 10, एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि 10 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके ट्रू और फॉल्स है, 200 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप के हैं, तो कोई कितने तरीके से आंसर दे सकता है, टू की पावर 10, मतलब अगर मान लो मैं ये कहूं कि एक क्वेश्चन पेपर मतलब मैं इधर हटा के लिखता हूं, इधर लिख चुका हूं आप लोग, देखो इसमें अगर आपसे बताऊं, सवाल दो कि क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, देन इन हाउ मेनी वेज कितने तरीके से, पहला अ स्टूडेंट कैन गिव आंसर। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि जिस चैप्टर में आंसर लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बस समझने में और सोचने में और एक्सप्लेन करने में सब लगता है। मतलब मैं इसका आंसर लिख दूंगा, आप 2 महीने बाद नोट्स खोल के देखोगे ना तो आपके सामने ये आंसर लिखा रहेगा कि समझ में नहीं आया कि आया कैसे था। अरे बात समझ में, तो कुल मिला के ये कि ध्यान रखना कि जहां पे एक्सप्लेनेशन अगर एक्सप्लेन कोई किया जाएगा कोई चीज, तो आप एक्सप्लेनेशन भी बगल में लिख लेना अगर हो सके पॉसिबल, कि इस वजह से ऐसा ये चीज हुआ है, सेलेक्ट किया गया, क्योंकि ताकि बाद में आपको, क्योंकि बहुत चीजें सोचने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो आप कोई 5 लोग हैं, उनको ट्वाइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसी को एक भी ना मिले, किसी एक आदमी को एक भी ना मिले, तो उसको कैसे हम अपना ग्रुप बनाएंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे हम उस चीज को करेंगे, ये सब चीजें जब हम दिखाएंगे आपको, तो जरूरी है कि उस समय आपका वो जो एक्सप्लेनेशन होगा, उस एक्सप्लेनेशन को आप कहीं साइड में कोने में लिखते रहना है। परमिशन कमीशन का चैप्टर ये है, ताकि जब दूसरी बार आप जब कभी नोट्स बनाओ या नोट्स देखो, तो जो थॉट बिल्डअप है वो धीरे धीरे हो सके। बात समझ आ रही है? तो देखो ये स्टूडेंट कैन गिव कितने तरीके से आंसर दे सकता है, 2 की पावर 10, सही है। मैं पूछ रहा हूं दूसरा, नंबर ऑफ वे टू गिव करेक्ट आंसर देने का क्या तरीका होगा? अरे भाई एक तरीका होगा, सारे आंसर सही होंगे तभी तो कहेगा करेक्ट आंसर है, सारे आंसर सही हो गए तभी तो कहलाएगा कि एक तरीका है, तो हाँ एक भी अगर एक भी गलत दिया तो हमें थोड़ी कहेंगे कि नहीं इसने क्वेश्चन पेपर सही जमा किया है, गलत है ना। अच्छा थर्ड, नंबर ऑफ वे टू गिव रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर सारे गलत होंगे तभी तो, अच्छा रॉन्ग आंसर 2 की पावर 10 माइनस, हाँ कोई भी करेक्ट में से कोई भी एक गलत, मतलब जैसे सभी जितने तरीके हैं उनमें से करेक्ट वाला हटा दो तो जो हो गया वो रॉन्ग आंसर हो गए। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपके कुछ कुछ तरीके हो जाएंगे। अच्छा सभी गलत आंसर देने का तरीका, अरे बात समझ में ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये तरीका हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो पहले, इतना सवाल लिखो भाई, हाउ मेनी, अब सिर्फ सवाल करेंगे, अब ओवरव्यू नियरली हो गया, और जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं सवाल कराते रहूंगा। हाउ मेनी कार नंबर प्लेट हाउ मेनी कार नंबर प्लेट कैन बी मेड
इफ कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन इफ ईच प्लेट कंटेन टू डिजिट ईच प्लेट कंटेन टू डिफरेंट लेटर फॉलोड बाई टू डिफरेंट लेटर ऑफ इंग्लिश, मतलब जो इंडिया में चलता है इंग्लिश, फॉलोड बाई थ्री डिजिट, ठीक है, टू डिफरेंट थ्री डिजिट। इस बार डिजिट्स जो है ना कितने नंबर का, इसके कहने का मतलब है कि कितने नंबर का, कितने अंक का आपका टोटल नंबर प्लेट में कितने लेटर जाएंगे, पांच। नहीं, पांच जाना है, ठीक है। कह रहा है कि शुरू के दो लीटर किसके लिए फिक्स है, इंग्लिश अल्फाबेट के लिए, आगे के लिए किसके लिए फिक्स है, डिजिट्स के लिए। अच्छा, इसमें जो है कह रहा है कि डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफरेंट मतलब अगर मैंने इसको भरने के लिए सोचा तो अपने पास 26 में से कोई भी एक भर सकते हैं, तो इसको भरने का तरीका क्या हो जाएगा, 26 इनटू इसको भरने का तरीका, आप एक जो भर चुका है उसको जाएगा नहीं यहाँ पे, तो उसके पास सिर्फ अपने पास 25 है। अच्छा, आप एक देखोगे कार नंबर प्लेट जो होती है या नंबर प्लेट होती है कार की, उसमें क्या डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं क्या, अरे 000 हो सकता है, अरे VIP नंबर आ रही बात समझ में, तो बोलो इसको, बिल्कुल इसको भरने का तरीका फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिजिट्स जाएंगे तो इसको भरने का तरीका 10, इसको भरने का तरीका 10, इसको भरने का तरीका 10, आ रही बात समझ में, तो क्या हो गया आंसर, क्या हो गया, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 26 गुणे 25 गुणे 10 की पावर 3। बोलो बात समझ में आ गया, सबके समझ में आया कि नहीं, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, यही मान लो कि ये रहता कि डिजिट्स भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे भरने का तरीका 10 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 में 9 तक में से कोई एक डिजिट जाती, और जो यहाँ चल गई है वो वहां नहीं जा पाती, अब यहाँ पे वो नंबर नहीं जाते, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन 9 बचते, फिर इसके लिए ऑप्शन अपने पास 8 बचते। बात समझ आ रही है ना, अगले सवाल पे बात करेंगे। देखो, फाइंड नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर कोई भी, मान लो मैंने दिया नंबर यूजिंग, मान लो मैंने दिया कि 5, 4, 3, 2, 1, ये 5, 4 मतलब 1 से लेकर 5 तक की कुछ नंबर्स है, इनको भरने के लिए अपने पास कुल कितने तरीके होंगे तीन डिजिट का नंबर बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बोला है अपने पास कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, तो हम दोनों तरीके से सोच के करेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने मन से दोनों लेके चलेंगे, नहीं तो सवाल में बोलेगा रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, जो फिजिकल प्रॉब्लम है सिर्फ उसमें नहीं बोलेगा, जैसे टेलीफोन नंबर है तो वहां पे नहीं बोलेगा मतलब अलाउड है, यहाँ पे जो है कि कार नंबर प्लेट में रिपीटेशन अलाउड होती है, फिजिकल प्रॉब्लम है ये, तो यहाँ पे नहीं बोलेगा तो रिपीटेशन अलाउड होगा। बात समझ आ रही है ना, यहाँ पे रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, मान लो मैंने ले लिया तो 3 भरने का, तो इसको भरने का तरीका 5, इसको भरने का तरीका कोई कम नहीं हुआ, क्योंकि जा सकता है जो नंबर यहाँ पे है, यानी आंसर हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे भरने का तरीके 5 हुआ, तो यहाँ पे जो चली गई है वो यहाँ पे नहीं जा सकती, तो 4 जो यहाँ पे जा सकती, 9 जगह पे यहाँ पे नहीं जा सकती, 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60। बोलो बात समझ में आ गया, लेकिन अगर मान लो सवाल में यही कह दिया कि फाइंड नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, अरे बात समझ में, इस बार 0 भी आ गया, हाँ 0 भी इंक्लूड कर दिया, अभी तक 0 मैंने नहीं ले रखा था, नहीं है तो अगर लिखा नहीं है तो हम दोनों के लिए सोच के करेंगे, नहीं लिखा है, सही है। अगर रिपीटेशन अलाउड अगर हो तो इसमें क्या चक्कर होगा कि हमें बस ये पता है कि 3 डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पे 0 नहीं भर सकते, 0 नहीं जा सकता, क्योंकि 0 जाएगा अगर तो ये नंबर कितने की हो जाएगी, 2 डिजिट की हो जाएगी,
तो ये जीरो यहाँ पे नहीं जा सकता। तो बाकी यहाँ पे भरने के तरीके कितने हो गए, चार। इसको भरने के तरीके, अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो जो जीरो जो यहाँ पे आ गई है वो भी ऑप्शन में आ गया और बाकी जीरो भी आ गया, तो इसको भरने के पांच और इसको भरने के भी पांच तरीके, क्योंकि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बस जीरो नहीं जा सकता था, यहाँ पे जीरो भी जा सकता था और रिपीटेशन अलाउड है तो जो नंबर यहाँ पे वो भी जा सकते थे। तो ये हो गया आपका पांच, यानी पूरा आंसर हो गया आपका कितना, सौ, ठीक है ना। अच्छा, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो चार इंटू तीन, सही है। इसमें देखो यहाँ पे तो फिर से वही चीज है कि जीरो, पहले आप जीरो का केस पहले डील कर लेंगे, जीरो नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा भरने के तरीके आपके चार इंटू, आप जीरो का तो यहाँ जा सकता है लेकिन एक नंबर यहाँ चली गई वो नहीं जा सकती, तो कुल मिला के एक पहले से यहाँ आ गया और जीरो भी अपने पास आ चुका है, तो यहाँ इसको हटा देते हैं, बाकी जो बचे हुए पांच में से कोई भी चार, यानी आपका चार हो गया, बाकी यहाँ पे दो नंबर जा चुकी है, तो यहाँ पे भरने के तरीके तीन, यानी कितना आंसर हो गया, चालीस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका धीरे 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 अब ऐसी प्रॉब्लम करेंगे, अभी पहले हम कैसे प्रॉब्लम कर रहे हैं डिजिट्स वाली, अरे बात समझ में, धीरे धीरे हम सारे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते रहेंगे, बढ़ेंगे। चलो सवाल लिखो भाई, हाउ मेनी, अब सिर्फ सवाल करेंगे, अब ओवरव्यू नियरली हो गया और जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं सवाल कराते रहूंगा। हाउ मेनी कार, कार नंबर प्लेट, कार नंबर प्लेट, हाउ मेनी वे, हाउ मेनी कार नंबर प्लेट, कार नंबर प्लेट कैन बी मेड, can be made if, can be made if each plate contain, if each plate contain two digit, each plate contain two different letter followed by two different letter of English, मतलब जो इंडिया में चलता है इंग्लिश, फॉलोड बाई थ्री डिजिट्स, ठीक है, टू डिफरेंट थ्री डिजिट्स। इस बार डिजिट्स जो है ना कितने कितने नंबर का, इसके कहने का मतलब है कि कितने नंबर का, कितने अंक का आपका टोटल नंबर प्लेट में कितने लेटर जाएंगे, पांच। नहीं 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 नहीं, पांच जाना है, ठीक है। कह रहा है कि शुरू के दो लीटर किसके लिए फिक्स है, इंग्लिश अल्फाबेट के लिए, आगे के लिए किसके लिए फिक्स है, डिजिट्स के लिए। अच्छा, इसमें जो है कह रहा है कि डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफरेंट मतलब अगर मैंने इसको भरने के लिए सोचा तो अपने पास 26 में से कोई भी एक भर सकते हैं, तो इसको भरने का तरीका क्या हो जाएगा, 26 इंटू इसको भरने का तरीका, अब एक जो भर चुका है उसको जाएगा नहीं यहाँ पे, तो उसके पास सिर्फ अपने पास 25 है। अच्छा, आप एक देखोगे कार नंबर प्लेट जो होती है, नंबर प्लेट होती है कार की, उसमें क्या डिजिट रिपीट कर सकते हैं क्या, अरे 000 हो सकता है, अरे VIP नंबर, अरे बात समझ में, तो बोलो इसको, बिल्कुल इसको भरने का तरीका फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिजिट्स जाएंगे, यहाँ पे डिजिट्स जाएंगे, तो इसको भरने का तरीका 10, इसको भरने का तरीका 10, इसको भरने का तरीका 10, अरे बात समझ में, तो क्या हो गया आंसर, क्या हो गया, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 26 गुणे 25 गुणे 10 की पावर 3, बोलो बात समझ में आ गया, सबके समझ में आया कि नहीं है चीज, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, यही मान लो कि ये रहता कि डिजिट्स भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे भरने का तरीका 10 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 में 9 तक में से कोई एक डिजिट जाती, और जो यहाँ चल गई है वो वहां नहीं जा पाती, अब यहाँ पे वो नंबर नहीं जाती, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन 9 बचते, फिर इसके लिए ऑप्शन अपने पास 8 बचते, बात समझ आ रही है ना। अगले सवाल पे बात करेंगे, देखो फाइंड नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर, कोई भी मालूम मैंने दिया नंबर यूजिंग, मालूम मैंने दिया कि 5, 4, 3, 2, 1, ये 5, 4 मतलब 1 से लेकर 5 तक की कुछ नंबर्स हैं, इनको भरने के लिए अपने पास कुल कितने तरीके होंगे तीन डिजिट का नंबर बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बोला है अपने पास कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, तो हम दोनों तरीके से सोच के करेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है,
हम अपने मन से दोनों लेके चलेंगे, नहीं तो सवाल में बोलने का रिजर्वेशन अलाउड है कि नहीं। जो फिजिकल प्रॉब्लम है सिर्फ उसमें नहीं बोलेगा, जैसे टेलीफोन नंबर है तो वहां पे नहीं बोलेगा, मतलब अलाउड है। यहाँ पे जो है कि कार नंबर प्लेट में रिपीटेशन अलाउड होती है, फिजिकल प्रॉब्लम है ये, तो यहाँ पे नहीं बोलेगा तो रिपीटेशन अलाउड होगा। बात समझ आ रही ना? तो यहाँ पे रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं, रिपीटेशन अलाउड है मान लो मैंने ले लिया, तो तीन भरने का, इसको भरने का तरीका पांच, इसको भरने का तरीका कोई कम नहीं हुआ, क्योंकि जा सकता है जो नंबर यहाँ पे है, यानी आंसर हो गया सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो क्या बन जाएगा? ये आपका यहाँ पे भरने का तरीके पांच हुआ, तो यहाँ पे जो चली गई है वो यहाँ पे नहीं जा सकती, तो चार जो यहाँ पे जा सकती, नौ जगह पे यहाँ पे नहीं जा सकती, तीन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60। बोलो बात समझ में आ गया? लेकिन अगर मान लो सवाल में यही कह दिया कि फाइंड नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4। आएगा समझ में? इस बार जीरो भी आ गया, हाँ जीरो भी इंक्लूड कर दिया, अभी तक जीरो मैंने नहीं ले रखा था, नहीं है तो अगर लिखा नहीं है तो हम दोनों के लिए सोच के करेंगे। नहीं लिखा है, सही है। अगर रिपीटेशन अलाउड अगर हो तो इसमें क्या चक्कर होगा कि हमें बस ये पता है कि तीन डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पे जीरो नहीं भर सकते, जीरो नहीं जा सकता, क्योंकि जीरो जाएगा अगर तो ये नंबर कितने की हो जाएगी, दो डिजिट की हो जाएगी, तो ये जीरो यहाँ पे नहीं जा सकता। तो बाकी यहाँ पे भरने के तरीके कितने हो गए, चार। इसको भरने के तरीके, अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो जो जीरो जो यहाँ पे आ गई है वो भी ऑप्शन में आ गया, और बाकी जीरो भी आ गया, तो इसको भरने के पांच और इसको भरने के भी पांच तरीके, क्योंकि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बस जीरो नहीं जा सकता था, यहाँ पे जीरो भी जा सकता था और रिपीटेशन अलाउड है तो जो नंबर यहाँ पे वो भी जा सकते थे। तो ये हो गया आपका पांच, यानी पूरा आंसर हो गया आपका कितना, 100। ठीक है ना? अच्छा, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो 4×4×3, सही है। इसमें देखो यहाँ पे तो फिर से वही चीज है कि जीरो, पहले आप जीरो का केस पहले डील कर लेंगे, जीरो नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा भरने के तरीके आपके 4×, आप जीरो का तो यहाँ जा सकता है लेकिन एक नंबर यहाँ चली गई है वो नहीं जा सकती, तो कुल मिला के एक पहले से यहाँ आ गया और जीरो भी अपने पास आ चुका है, तो यहाँ इसको हटा देते हैं, बाकी जो बचे हुए पांच में से कोई भी चार, यानी आपका चार हो गया, बाकी यहाँ पे दो नंबर जा चुकी है तो यहाँ पे भरने के तरीके 3, यानी कितना आंसर हो गया 48। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका धीरे 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 अब ऐसी प्रॉब्लम करेंगे, अभी पहले हम कैसे प्रॉब्लम कर रहे हैं डिजिट्स वाली, अरे बात समझ में, धीरे धीरे हम सारे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते रहेंगे, बढ़ेंगे। चलो, इन अ 7 डिजिट टेलीफोन नंबर, मतलब पहले किसी जमाने में 7 डिजिट टेलीफोन नंबर बने रहे होंगे, अरे याद है लैंडलाइन नंबर तो 5 डिजिट के हुआ करते थे, हाँ ऐसे से घुमाने वाले फिर वो डायल करने वाले 5 डिजिट के, तो ऐसे ही मान लो 7 डिजिट टेलीफोन नंबर, इन अ 7 डिजिट टेलीफोन नंबर हाउ मेनी वे कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग 1 digits 2, 3, 7, 5 only। सिर्फ इनकी मदद से कितने तरीके से आपको 7 डिजिट आपका फोन नंबर बनाया जा सकता है। या आपका अगला सवाल में लिखो कि फाइव लेटर कैन बी मेल्ड टू थ्री लेटर बॉक्स, यानी फाइव लेटर कैन बी मेल्ड टू थ्री लेटर बॉक्स। रिपीटेशन अलाउड होगा ही होगा क्योंकि चार में से सात का बनाना है, तो रिपीटेशन अलाउड, बिल्कुल सही बात है। 4×4×4×4, देखो 1, 2, 3, 4, 5, हाँ इसको भरने के तरीके चार,
क्योंकि जीरो नहीं है इसलिए हम इसको भरने के कुल तरीके ले सकते हैं, इसको भी भरने के चार, इसको भी भरने के चार, इसको भी भरने के चार, ये चार सब जगह। इस सवाल में सवाल बोलेगा नहीं कि रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि टेलीफोन नंबर में रिपीटेशन अलाउड होती है। पहली बात, दूसरी बात कि चार डिजिट का मिलाकर सेवन बनाने तो रिपीटेशन अलाउड होनी पड़ेगी भी। तो क्या हो जाएगा, चार की पावर थ्री की पावर फाइव, क्योंकि तीन लेटर बॉक्स है। एक लेटर को पोस्ट करने का तीन तरीका, जैसे अपने पास तीन लेटर बॉक्स है, एक दो तीन, एक लेटर को पोस्ट करने का तीन की पावर पांच होता है आंसर। हाँ, तीन की पावर पांच मतलब एक, इसका थोड़ा उल्टा सोचेंगे, उल्टा ऐसे बॉक्स बना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हाँ, एक लेटर को पहले लेटर के देखो, ऐसे सोचो कि यहाँ पे बॉक्स है, एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, लेटर बॉक्स है, ऐसा कुछ होता है ना, लेटर बॉक्स कुछ ऐसे बनता होगा, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे कुछ बनता, देख रहे हैं कि नहीं देखे वो, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे खुला रहता है, ठीक है। अरे कोई पूछता भी नहीं है, पर किसी जमाने में इसी की मांग थी, इसी को लोग पूछते थे, ठीक है ना, मतलब यही आपका चिट्ठी ना कोई संदेश होता था ना, ये तो ये वही था, ये आपका, तो ये आपका लेटर बॉक्स हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, एक लेटर जब आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटर जाना है अलग अलग, कोई भी आदमी जो या कोई भी आप लेके जाओगे, पांच लेटर लेके जाओगे तो आपके पास चॉइस होगी कि पहले लेटर को पोस्ट करें इसमें या इसमें या इसमें, मतलब पहले लेटर के पास कितने चॉइस है, तीन। पहले लेटर के पास फर्स्ट लेटर है, इस बार चॉइस बॉक्स के पास नहीं है, कि बॉक्स नहीं जा रहा लेटर के पास, लेटर आ रहा है बॉक्स के पास, तो फर्स्ट लेटर है थ्री चॉइस। फिर सेकेंड लेटर के पास कितनी चॉइस है, इसके लिए भी तीन चॉइस है। ऐसे ही थर्ड लेटर के लिए क्या चॉइस है आपके पास, तीन। ऐसे ही आपके पास पांचवें लेटर के लिए भी कितनी चॉइस है, तीन। यानी टोटल कितनी चॉइस हो गई, थ्री की पावर फाइव। या ये भी याद रखेंगे कि इमूवेबल, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है जब डिजिट का सवाल करने के बाद इसको करने लगते हैं, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इसको फिर हम बॉक्स भरने लगते हैं, और बॉक्स भरते ही फाइव की पावर थ्री हो जाएगा, बॉक्स भरते ही फाइव की पावर थ्री हो जाएगा। ऐसे लगेगा पहले बॉक्स में जाने का पांच तरीका, दूसरे बॉक्स में जाने का पांच तरीका, तीसरे बॉक्स में जाने का पांच तरीका, और पांच पांच मतलब फाइव की पावर थ्री, जबकि एक्चुअल होता है इमूवेबल की पावर मूवेबल। और ये कभी भी आपसे भूलेगा नहीं, ये बताओ बॉक्स मूव करेगा कि लेटर मूव करेगा, लेटर मूव करेगा, यानी बॉक्स फिक्स हो गया क्या, तो बॉक्स हो तीन और आपका मूवेबल मतलब लेटर कितने हैं पांच, तो आंसर हो गया थ्री की पावर फाइव। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखिए इमूवेबल की पावर मूवेबल, ठीक है। देखो अगला सवाल, सवाल लिखो, हाउ मेनी वे फाइव बॉल कैन बी, हाउ मेनी वेज फाइव बॉल कैन बी पुट इंटू फोर बॉक्सेस। फिर से वही सवाल, फिर आपका अगला सवाल, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर पॉसिबल बाय यूजिंग डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अगला सवाल, इवन नंबर, हाँ, हाउ मेनी मतलब कितनी तीन डिजिट की इवन नंबर संभव है बाय यूजिंग, यानी इनके यूज करके, थ्री डिजिट इवन नंबर मतलब तीन डिजिट की और इवन नंबर भी चाहिए। अभी तक सिर्फ थ्री डिजिट चाहिए होता था, अब उसमें और कंडीशन हमने लगा दिया कि तीन डिजिट के साथ साथ और कहीं क्या होनी चाहिए, इवन। आगे चल के हमें भी लगा देंगे कि तीन डिजिट के साथ साथ डिविजिबल बाय थ्री होना चाहिए, तो और कंडीशन बदलते जाएंगे ना ऐसा। तो ये है आपका सवाल, हाउ मेनी थ्री डिजिट, अभी भी वही है, थ्री डिजिट इवन नंबर मेड बाय यूजिंग डिजिट्स, सिर्फ इन्हीं डिजिट्स को यूज करना, डिजिट्स जीरो वन टू थ्री फोर, सिर्फ इनको यूज करना है, ये स्पेशल। हाँ, बन गया पहले सवाल, क्या हो गया, रिपीटेशन अलाउड, इसमें हम सोच लेंगे दोनों अलग अलग करके सोच लेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बॉक्सेस की पावर यानी इमूवेबल की पावर मूवेबल, तो बॉक्सेस की पावर बॉल हो जाएगा,
इमूवेबल की पावर मूवेबल, तो ये हो जाएगा फोर की पावर फाइव। इस देख लेते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड है इसमें, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो अपने पास तीन डिजिट की इवेन नंबर हो गई, तो इवेन नंबर का मतलब इस प्लेस को फिक्स कर दिया गया। इस डिजिट किस प्लेस को, या तो दो जा सकता है तो चार, यानी इस पे जाने के टोटल तरीके कितने हो गए, दो। इस पे जाने के बाकी बचे हुए आपके एक तो जा चुका, रिपीटेशन अलाउड है इस बार, तो इस पे जाने के चारों तरीके हो गए क्या, चारों में से कोई चला गया, और इस पे भी चारों में से कोई चला गया, तो ये आपका हो गया 32 मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, मैं इसी के लिए बात कर रहा हूं, यहां ऊपर मैं बात कर लेता हूं इसी सवाल के लिए, रिपीटेशन देख लेते हैं, रिपीटेशन नॉट, रिपीटेशन अलाउड हो तो, रिपीटेशन अलाउड हो तो दो, यहाँ पे भर जाने के दो या चार में से कुछ भी जा सकता है, और रिपीटेशन अलाउड है तो ये अब तो ये भी जा सकता है ना यहाँ पे, और इन चारों में से कोई भी जा सकता है, अच्छा पांच है, ओ सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे जाने के पांच और यहाँ पे जाने के पांच, 25 25 50 हो गया, ठीक है ना। अच्छा तो ये रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो उस केस में अपने पास तीन डिजिट के लिए, ये इसको जाने के यही दो या चार में से कोई भी भर सकते हैं, तो दो तरीका, इसको जाने के अब जो यहाँ जा चुका है वो यहाँ जा नहीं सकता, तो चार तरीका, और इसको जाने के अपने पास तीन तरीका, तो चार तीन 12 12 दोनों के 24, सही है। अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं रुक जा रहा हूँ, अपनाओ आराम से सोचो, जब जीरो वाला आएगा तो हमको बड़ा ही अलग से सोचना पड़ेगा, अलग से कंडीशन सोचनी पड़ेगी, ठीक है सोचो जरा आराम से। देखो जब भी सवाल आपका रिपीटेशन अलाउड रहेगा, रिपीटेशन अलाउड वाला रहेगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जीरो अगर इंक्लूड रहेगा, जीरो इंक्लूड रहेगा अगर सवाल में, क्या इंक्लूड रहेगा जीरो, तो दो तरीके से इसको हमेशा सेपरेट करके सोचेंगे, जीरो को सेपरेट करके। हमको इवेन नंबर वाला चाहिए, कितने हम मैंने पहला लिया कि रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड ले लो, नॉट अलाउड लेता हूँ, ठीक है ना, पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास तीन डिजिट की नंबर चाहिए थी, अगर यहाँ पे जीरो चला गया, जीरो चला गया, तो इसको भरने के तरीके कि देखो, हम हमेशा जीरो को अलग करके सोचेंगे प्लस, अब यहाँ पे हम तीन डिजिट का फिर सोचेंगे। देखो यहाँ पे जीरो चला गया, तो हमने यहाँ पे जीरो भरने के कितने तरीके, एक। अच्छा अब यहाँ पे बचा हुआ कोई भी नंबर चला जाए उनमें से, तो हमेशा ये चार डिजिट की बनी रहेगी, तो इसको भरने के अपने पास चार तरीके, और इसको भरने के अपने पास तीन तरीके, क्योंकि जीरो यहाँ पे जा चुका है प्लस। अच्छा अगर अब देखो तो यहाँ पे अब जीरो नहीं जा सकता, सिर्फ टू और फोर के लिए हमने बात किया, कितना तरीके से जा सकता है, टू और फोर, दो तरीके से। इस पे अब हम तुरंत इस पे आ जाएंगे, क्योंकि समस्या इसको है, जीरो से समस्या इसको है, एक नंबर यहां जा चुकी है और यहाँ पे जीरो नहीं जा सकती, तो दो नंबर खलास हो गई, तीन में से कोई भी एक जा सकती है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक नंबर चली गई, एक नंबर यहाँ चली गई, फिर बची हुई अपने पास तीन नंबर, तो यहाँ पे फिर से आ गया तीन इंटू, यानी अब जरा सा तीनों का आंसर निकाल लेते हैं, 12 और ये 3 3 जा 9 2 जा 18 18 और 12 आ गया आंसर 30। बोलो बात समझ में आई, आया कि नहीं आया समझ में। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो हमें प्रॉब्लम इस बार किसी से नहीं है, यहाँ पे क्या आ सकता है, जीरो टू फोर, कितने तरीके से, और यहाँ पे आ सकता है जीरो को छोड़कर कोई भी, तो चार तरीका, और यहाँ पे कोई भी पांच आ जाए तो ये हो गया 5 2 5 4 20 से लेके इंटू 30 60। बोलो बात समझ में आया, कोई दिक्कत आपका, आप समझ में आया ना, नहीं तो वही जीरो का सोचना, जीरो जैसे ही आएगा तो उसको दो अलग अलग तरीके से सोचेंगे, कि जीरो भर गया तो अब तो यहाँ कुछ भी छुट्टा हो गया, कोई भी आके भर सकता है, लेकिन अगर जीरो नहीं भरा यहाँ पे तो उस केस में क्या होगा, तो ये हमेशा हमेशा दो अलग अलग केस की तरह, इस वाला हटा दें, ये वाला ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं सवाल देता हूँ, फाइव डिजिट नंबर्स मेड बाय, फाइव डिजिट नंबर या नंबर्स कुछ भी, नंबर्स मेड बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फिर अब सवाल पूछ रहा है कि देन हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, देन हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल
हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, कितनी नंबर संभव है पॉसिबल बाय यूजिंग दिस डिजिट, बाय यूजिंग देखो तो पॉसिबल पहला तो हो चुका है ऊपर, पॉसिबल पहला ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 3,232 से बड़ी, ठीक है। दूसरा लेस देन, फाइव डिजिट नंबर पूछा है ना हमने, तो 3,032,000 से, ठीक है ना, 32,000 से पांच डिजिट का हो गया। लेस देन, लेस देन यानी छोटी हो जाए, मान लो मैंने पूछ दिया कि 51,000 से छोटी हो जाए आपसे। फिर तीसरा मैंने पूछ दिया इसी में, इन बिटवीन, बिटवीन 32,000 एंड 51,000, ये तीन नंबर के बीच में आपके आ जाए, कितनी टोटल नंबर्स पॉसिबल है ये अपने को बताना। आप आराम से टाइम लेके बताओ, मैं वेट कर लेता हूं, ठीक है ना, आराम से टाइम लेके बताओ।